जुड़ जाइएगा भाई साहब। खिड़की बंद कर दीजिएगा, दोनों 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 खिड़की बंद कर दीजिए। थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिए, जो जहाँ बैठे हैं वहीं से लाइक वगैरह कर दीजिएगा। काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डॉली कुमारी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हैं उधर उधर, हैं मोबाइल निकाल रहे हैं? निकालिए 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 जरा सा। सभी लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा, फिर शुरू कर देते हैं। नोटिफिकेशन आ गया ना? सभी लोग जरा सा लाइक कर दें, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिए ताकि क्लास को जारी करें, आगे बढ़ाया जाए। तो अभी हम लोग बाल विकास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ये बिल्कुल अभी जो आपको लाइव दिया जा रहा है वो सीधा क्लासरूम से दिया जा रहा है। सार्थक सिटेड क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन बैच से डायरेक्ट आपको लाइव दिया जा रहा है। और हमारे इंस्टीट्यूट का पता है रोज दी मेडिसिटी हॉस्पिटल दिग्घी पश्चिम के पास अपनी पावरफुल ऑफलाइन बैचें चलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि फेस टू फेस पढ़े, पढ़ाई को सीधा जहन में उतारे, हर दिन की पढ़ाई, हर पल की पढ़ाई को आप फील करना चाहते हैं, सीटेट में बेहतर अंकों के साथ आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए हमारा पावरफुल ऑफलाइन बैच। हमारा रिजल्ट पिछले बार भी और इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट रहा है। 153 में 137 रिजल्ट हमारे यहाँ से हुआ है, बाद में 4 और रिजल्ट हुआ है। जो सीटेट ने 81 वाले के जो पास किया था, किसी को 82 किसी को 83 आया है, तो 4 उसमें और भी अपने यहाँ क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में रिजल्ट हो, बेहतर क्वालिटी की अगर बात करें, तो ये सार्थक सीटेट क्लास दरभंगा में संभव है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल नया बैच है जहाँ से आप अभी लाइव देख रहे हैं। ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, एकदम फ्रेश बैच, नया बैच अभी शुरू हुआ है, 6-7 क्लास हुआ है और पहला चक्कर खत्म होने में 15 दिन कम से कम लगता है। कम से कम समझिए कि जो 40 घंटा के आसपास में पहला चक्कर खत्म होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को डिटेल से बताया जाता है, तोड़ तोड़ करके बताया जाता है, एनालिसिस करके बताया जाता है, क्या कि आप सब्जेक्ट को फील करें। आप ये चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पावरफुल ऑफलाइन बैच सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा की। तो चलिए, आई होप सभी लोग अभी लाइक नहीं किए, जरा सा लाइक कीजिए। आज मुकेशवा जवान हो जाएगा, हाँ मुकेशवा जवान हो जाएगा। चलिए सभी लोग जरा सा, यहाँ गधा को भी सीटेड पास करवाया जाता है। ये तो है कि भैया अगर हम पढ़ाएं और सीटेट ना निकले ना, तो फिर मुश्किल है भारतवर्ष में कहीं पढ़ करके सीटेट निकालना, ये बहुत मुश्किल है। और ये हम कई बार ये प्रूफ कर चुके हैं कि 3-4 दिन में पढ़ा रहे, झूठ नहीं बोल रहे, अभी आप लोग सामने हैं, 3-4 दिन में भी पढ़ा के 100+ नंबर लाया है इस क्लास में, 3 से। लेकिन हाँ, उसको अलग से 3-3 घंटा पढ़ाते थे। कुछ हो जैसे पिछले बैच में भी कुछ स्टूडेंट्स आया था 4 दिन पहले 5 दिन पहले, तो अलग से 2-3 घंटा भी पढ़ाते थे और क्लास में भी 5-6 घंटा पढ़ाते थे। तो मिला जुला करके 7-8 घंटा पढ़ाते थे, ऐसा नहीं बोलिए 2-3 घंटा, 7-8 घंटा पढ़ाते थे। लेकिन 3-4 दिन में अगर 100+ ले आए, तो ये क्या लग रहा है, आसान बात लग रहा है? नहीं, 100 आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको उस तरह से गाइड करते हैं ना। सभी लोग अभी तक भी पूरा लाइक नहीं किए भाई साहब पर, कीजिए जल्दी कीजिए, आप ही लोगों विलम्ब है, शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? किशोरावस्था। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक चौथा है ना, ये किशोरावस्था, किशोरावस्था आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आज हमारा मुकेशवा जवान हो जाएगा, जब जवान कर देंगे मुकेशवा को, आज का सिनेमा देखते हैं ना, थोड़ा ही देर में क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है, तुरंत बड़ा होता है, कांड करता है, फिर जय हिंद जय भारत करके सिनेमा 1.5-2 घंटा में ख़त्म। तो वही बात यहाँ पर, लेकिन ये 2 घंटे की कहानी नहीं, 2 घंटे की कहानी अपने यहाँ 15 घंटा में ख़त्म होता है।
फर्क यही है, डिटेल से तोड़ करके एनालिसिस करके हर एक चीज़ों को डिटेल ही पढ़ाते हैं, चाहे जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हर सब्जेक्ट। चलिए शुरू किया जाए, अब शुरू किया जाए, तैयार हैं आप लोग? तो पहले ये समझ लीजिए, आज दोनों आए हैं, कोलकाता वाली मैडम भी आए हैं, आइए आइए, जरा सब बता दे, ठीक से जाइएगा, ठीक से, आपके वर्तमान के चक्कर में हमारा भविष्य न चौपट हो, खाली ध्यान देना है, बैठ जाइए। किशोरा अवस्था जानते हैं, अब हमारा मुकेशवा का एज कितना हो गया है, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष का हमारा मुकेशवा हो चुका है। तो जब बउआ 12 से क्या हुआ मैडम जी, जगह लीजिए, ए अभी पूरा बेचो नहीं, 12 इस क्लास में 125 को बैठाते हैं, 125 विद्यार्थी को बैठाते हैं ठूस ठास के, 90 की कैपेसिटी है, 90 की कैपेसिटी है, 125 वो बैठाते हैं, एसी भी लगी हुई है, दिख रहा होगा आपको एसी, जरा सा नया बैच को सबको दिखा भी दें, आज दिखाते हैं, दिखा भी देते हैं, कभी कभी हम दिखाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं सभी स्टूडेंट से। क्या 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 बोल रहे हैं, तांत्रिक है ये, तांत्रिक है ये, देखिए इधर इधर इधर, ए मैं मुँह इधर कर, यही कर रही है, इधर देखिए, ये फ्रेश बैच है, ये सुबह वाली क्लास है, देख लिए, मिल लिए सभी से, ये बिल्कुल नई बैच है, अगर आप भी चाहते हैं ज्वाइन करना सार्थक सीटेड क्लास से दरभंगा की पावरफुल ऑफलाइन बैच, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई सीधा, जरा सा इधर भी दिखा दें हमारा पुराना वाला, चलिए ये अपना क्लासरूम, देखिए एसी भी है ना, ये है ना एसी, सब देख रहे हैं अपना क्लासरूम, क्लासरूम भी तो अपना जबरदस्त है, चलो तांत्रिकों शुरू किया जाए, शुरू करें, अब सभी लोग ध्यान दीजिए, है देखिए तांत्रिक बतिया रही है, ए ननद हो जाए, इधर ध्यान दीजिए, तो आज जो पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम क्या है, किशोरावस्था, ध्यान दीजिए, बुआ का एज कितना, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, अब ध्यान दीजिए, ये जो 18 वर्ष है हमारे सिलेबस में यही तक पढ़ाया गया है, देखो मुकेशवा के बारे में कहाँ तक पढ़ेंगे, 18 वर्ष तक ही पढ़ेंगे, एक चीज और बताए थे वृद्धि के बारे में, किसके बारे में, वृद्धि के बारे में, तो जरा बताएं कि वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है कि असीमित होता है, सीमित होता है, जबकि कहां तक, 18 वर्ष तक, जैसे ही 18 वर्ष को एक बच्चा पहुंचता है उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, वृद्धि अपना रोल पूरा करके चला जाता है, ग्रोथ वहां पर रुक जाती है, लेकिन वहीं पर अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो उसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है, बहुत बड़ा है, वो जिंदगी भर चलता है, जब तक सांसें चलेंगी तब तक बच्चे में या किसी व्यक्ति में विकास होता है, सांसें रुक गई, सेल पूरी तरह से डेथ कर गया तो व्यक्ति मर जाता, वहां पर विकास पूरी तरह से उस व्यक्ति का खत्म हो जाता है, कहानी वहीं पर खत्म होती है, तो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अब शुरू होगी, अब बच्चे में जवानी का एहसास होगा, हालांकि जवानी का फीलिंग उभरना शुरू कर दिया था उत्तर बाल अवस्था में ही, 6 से 12 वर्ष के अवस्था में ही बच्चों में जवानी वाला फीलिंग उभरना शुरू हुआ था, यहाँ पर दिखेगा कि बच्चा जवान हो चुका है,
लेकिन 12 वर्ष में नहीं, 15, 16, 17, 18 में पूरी तरह से निखर करके सामने आ जाता है। तो समझिए ये वो अवस्था है। और अपनी भाषा में अगर हम किशोरा अवस्था को परिभाषित करें तो सुनिए क्या है। आप देखते होंगे कि जैसे ही बुआ बुच्ची जवान होती है, 12 साल 13 साल की होती है, तो देखिएगा लड़की का अट्रैक्शन लड़का के तरफ अधिक होता है और वहीं पर लड़का का अट्रैक्शन लड़की की तरफ अधिक होता है। तो ये नेचुरल गुण है, ये प्राकृतिक रूप में होता है, आप ना चाहते हुए भी ये चीज़ होगा, कोई बताता है कोई नहीं बताता है। अगर इस उम्र में ये फीलिंग न आए तो समझिए उस इंसान में समस्या है, प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मजाक करने की बात नहीं है, समस्या है। फिर उन्हें इलाज करवाइए, दिखाइए डॉक्टर से कि फीलिंग क्यों नहीं जग रही है, कि फीलिंग हंस रहा है कि हमारा नहीं जगा था, अब जाकर के जगा है, वो भी कल रात में सोए थे तब, हम अपनी बाली को देख लिए, हमारा एकदम आज किशोरावस्था में पहुंच गए। तो समझिए, बता रहे हैं कि 12 से 18 वर्ष में जैसे ही बच्चा पहुंचता है तो उसमें अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। मुकेशवा को मुकेशनिया पसंद, तो मुकेशनिया को मुकेशवा पसंद, लेकिन आजकल में ऐसा नहीं है, मुकेशवा को मुकेशनिया भी पसंद है तो रुचिया भी पसंद है, पूरी फ्रेंड सर्कल मुकेशवा को पसंद है तो मुकेशनिया भी कम थोड़ी है, पूरे मोहल्ले को पसंद करती है वो। तो कहने का मतलब हुआ कि आप किसे पसंद करते हैं या आप जिसे भी पसंद करते हैं वो अभी आपको पसंद करती है, लेकिन हमेशा हमारा आपके द्वारा किया गया पसंद सबसे दुनिया का निहायत और बेकार और घटिया रहता है। इस बात की जानकारी उस उम्र में बच्चे को नहीं रहती है कि ये जो आप पसंद करते हैं कि हम मुकेशनिया से ही ब्याह करेंगे, हम इसी से ही ब्याह करेंगे, इससे बढ़कर दूल्हा दुनिया में नहीं है, तो ये सबसे आपकी मुझे लगता है निम्न सोचे है। ऐसे कैसे संभव है कि आप जिसे पसंद करें वही दुनिया का बेस्ट होगा, ये जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपको पसंद बहुत है तो आप पिताजी को बोलेंगे, मुकेशनिया भी पिताजी को बोलेंगी, तो पिताजी को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, उनका बीपी 120/180 से 120 के जगह पर 170-180 चला जाएगा, 170-180 चला जाएगा ऊपर वाला, तो पिताजी का पारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो इस केस में कूट दिए जाते हैं, इस केस में कूट दिए जाते हैं, पीट दिए जाते हैं। उधर भी मुकेशनिया का वही हाल, मुकेशवा का भी वही हाल। तो इस एज में जानते हैं भाई भी कूट देता है, पड़ोसी को भी मौका मिलता है तो वो कूट देता है, कोई भी कूट आ जाता है, कोई भी कूट देता है, तो हर कोई से आपका लगाव रहेगा। अगर पिताजी को आज दिन की बात बोले कि पिताजी हम मुकेशनिया को बहुत पसंद करते हैं, मुझे मुकेशनिया चाहिए, मतलब चाहिए, उम्र कितना? 14 साल, 13 साल, 12 साल, 15 साल, मुकेशनिया चाहिए, इसको मुकेशनिया चाहिए, शादी मेरी मुकेशनिया से करा दो तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो हम फिर टूट जाएंगे। अगर ऐसी बात अपने पिता से कोई बच्चा करता है तो पिताजी कूट देंगे, जनरली कूट देंगे पिताजी, हालांकि कूटना नहीं चाहिए था तो पिताजी कूट देंगे, खोपचे में ले जा करके क्या करेंगे? कूट देंगे अच्छे से। तो बताइए पिताजी पसंद आएंगे? पिताजी पसंद आएंगे नहीं। मम्मी भी कूट देंगी तो मम्मी पसंद आएगी क्या? नहीं। इसका मतलब है कि किशोरा अवस्था वो अवस्था है जिसमें मम्मी और पापा में जब बच्चे को अमरीश पूरी नज़र दिखना शुरू हो जाए तो समझिए वही अवस्था का नाम क्या है? किशोरा अवस्था है। अब समझ में आई लॉजिक? अमरीश पूरी का जनरली हम लोग के प्रति छवि कैसा रहता था बचपन में, कि ये हमेशा हीरो को परेशान करता है, हमेशा परेशानी वाली बात करता है, जब भी हीरो और हीरोइन आपस में मिलते हैं तो बीच में दरार उत्पन्न करता है, दोनों को अलग करने का काम करता है। कहने का मतलब है कि जब भी अपने पिता में अगर किसी बच्चे को अमरीश पुरी नजर आ जाए तो वही अवस्था का नाम है किशोरा अवस्था। अब समझ में आई बात? धीरे धीरे क्या होगा? आप बताओ कि बच्चा हमारा कहाँ है, कहाँ अध्ययन कर रहा होगा? हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी। अरे 18 वर्ष में बच्चा क्या लड़ा ग्रेजुएशन से नहीं कर लेता है क्या? 14 वर्ष में मैट्रिक हो जाता है, 16 वर्ष में इंटर हो जाता है, 18वें वर्ष में जाते जाते ग्रेजुएशन भी लगभग फाइनल हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी में भी अगर ग्रेजुएशन होता है कि नहीं होता है?
अपने ये जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, क्या इसमें ग्रेजुएशन नहीं होता है? यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन होता है और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कॉलेज होते हैं वहाँ से भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। तो मतलब बच्चा अभी स्कूल कॉलेज में भी है ना, बच्चा जवान हो गया है, बच्चा की मूछें क्या होंगी, निकलना शुरू कर दी। पहले जो भूरे रंग का था उसमें काला रंग जन्म ले लिया है, जवानी का फीलिंग बच्चे में अब अधिक आएगा। और खास करके अगर बात करें किसकी, लड़कियों की, ध्यान से समझिएगा, अगर बात करें लड़कियों की तो लड़की तो बड़ा जल्दी जवान हो जाती है, 12 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष की जब मुकेशनिया होती है, और उसी वर्ष समझिए 12 से लेकर के 14 वर्ष का मुकेशवा भी होता है, मुकेशवा भी होता है 12 से 14 वर्ष में, मुकेशवा भी है और 12 से 14 वर्ष में कौन है, मुकेशनिया भी है। समझिए इसको, समझिए मुकेशनिया भी है, इधर ध्यान दीजिए। तो 12 से 14 साल में जैसे ही मुकेशनिया जाती है तो मुकेशनिया के शरीर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, मतलब शारीरिक संरचनाएं बहुत ज्यादा होने लगती है, मतलब तुरंते मुकेशनिया क्या होती है, जवान हो जाती है। 12 से 14 में मुकेशनिया जवान हो गई, जबकि वहीं पर मुकेशवा 12 से 14 साल में जवान नहीं हुआ है, लेकिन 12 से 14 साल में मुकेशनिया जवान हो चुकी है। तो सबसे पहले कौन जवान हुआ, लड़की। इसका मतलब है कि लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन किस उम्र में देखा गया है अधिक, 12 से 14 वर्ष में। वहीं पर 12 से 14 वर्ष में एक लड़के में शारीरिक परिवर्तन लड़कियों के तुलना में कम होता है। तो लड़का में कहाँ होता है जानते हैं, 14 से 18 वर्ष में। ये किसमें है, वर्ष में, एक लड़के में शारीरिक परिवर्तन अधिक देखा गया। तो जरा बताएं, 12 से 14 है ही मुकेशनिया का हो गया, 14 से 18 मुकेशवा का हो गया, तो है ना किशोरावस्था, है तो किशोरावस्था। तो मतलब किशोरावस्था को जैसे ही कोई लड़की और लड़का प्राप्त करता है तो उसके शारीरिक, उसमें शारीरिक परिवर्तन बहुत ही ज्यादा होता है, एक दूसरे के प्रति, मेल को फीमेल के प्रति, फीमेल को मेल के प्रति आकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है। कोनो दिक्कत, चलिए यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, और बात कीजिए, और आप लोग बात कीजिए, आप लोग भी 12 से 18 वर्ष से गुजर चुके हैं, कोई ऐसा है जो 18 वर्ष तक ही है या 18 वर्ष से कम के हैं अपने क्लास में, तो कोई बताएं, कोई है, कोनो नहीं है, सब 18 प्लस से है, तो डीएलएड तो कोई करता है। जनरली हमारे क्लास में 18 वर्ष से लेकर के 36, 37, 38 साल तक स्टूडेंट रहता है, यहाँ इतना स्टूडेंट रहता है। तो कहने का मतलब समझिए, किशोरा अवस्था से हम लोग आगे निकल चुके हैं, जितने क्लास में बैठे हैं वो लोग किशोरा अवस्था में जानते हैं। इस उम्र में बच्चा जो है ना एकदम अलग दुनिया में रहता है, उनकी एक अलग दुनिया ही रहती है। इस एज में बच्चा को ललकी वाली भी चाहिए तो पियरकी वाली भी बच्चे को चाहिए, हरियरकी वाली भी उन्हीं को चाहिए, नीले रंग वाली उन्हीं को चाहिए, मतलब सब कुछ उसी को चाहिए। जब बच्चे का एज क्या है, 12 से 18 साल है, इसी एज में सब कुछ चाहिए। तरह तरह के ख्वाब देखते हैं बच्चे, तरह तरह के, जब किशोरावस्था को कोई बच्चा प्राप्त कर लेता है, समझिए बात करते हैं। अब तो खैर जमाना बदल गया, अब तो मोबाइल का जमाना आ चुका है, लेकिन अभी से 15 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, उस समय की अगर बात करें तो अपनी वाली को देखने के लिए लोग तरस जाते थे। सही बात बता रहे, मान के चलो कि वो वाला मोहल्ले में अपनी वाली रह रही है, अपनी वाली वो मोहल्ले में रह रही है, पता चला पिछले एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही है, हाई स्कूल में, मान के चलो हाई स्कूल में पढ़ रही है, 10वां में पढ़ रही है, दर्शन नहीं हुआ 7 दिन,
तो पूरे मित्र मंडली के साथ कोई ऐसा जगह खोलते हैं जहां से कभी वो दिखे या हमें दिखाई नहीं देता था, किसी हमारे मित्र को दिखाई दे दी थी, दोस्त देख लिए, तुम्हारी पियरकी वाली को देख लिए। उस समय तो कोई फोन नहीं होता था कि मोबाइल फोन के तुरंत पहुंच गए, ये आते आते पता चलता दो चार घंटे के बाद। जब पुनः सब लोग मिल करके जाते हैं तो पियरकी वाली नहीं दिखती है, नहीं दिखती है, मतलब पियरकी वाली का भेंट करने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत तरह का प्लानिंग करना पड़ता था, घंटों बैठ करके इंतजार करना पड़ता था, तब एक झलक दिख जाता था, यही काफी होता था। 15-20 साल पहले यही काफी था, उसके बाद लगाव तो रहता था कि पियर की बार। इस उम्र में देखिए और क्या क्या रहता है, अपने में चार गो तांत्रिक दोस्त बना लेगा, वो चारू वाली चार गो को देखेगा, हे ललकी वाली तेरी भाभी है, उजली वाली तेरी भाभी है, अपने में भाई एक दूसरे की भाभी भी बना लेता है, ये वाली मेरी है, वो वाली तेरी है, और उसको पता नहीं है, वो ललकी पियरकी को पता नहीं है हम किसके हो चुके हैं, ये वो उम्र है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें प्रेम पत्र लिख करके जिसे देने वाले थे उसमें कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो जाती है, शादी भी आती थी, इन्विटेशन कार्ड आता है, तो उसी को लिफाफा बनाकर 101 या जैसे अपनी क्षमता होती है बाबूजी की, उन क्षमता के अनुसार उसी में कन्यादान किया जाता है, लीजिए हमारे तरफ से थोड़ा सा मदद किया, मदद की राशि दी जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि पहले जिसे चाहते थे कुछ और नज़र से, अब कुछ और हो गई, हाँ बहना ये लो, वही जब हजरतगंज में या कहीं पर मिल जाए, वही मिल जाए ट्रेन में कहीं पर मिल जाए, तो देख करके वही बोलती है कि देखो मामा जी, ये तुम्हारे मामा जी हैं, अब तो अपने पास कुछ बचा भी नहीं है, अपन भी कम तेज ने गाल खींच करके बोलते बुआ को बिल्कुल तुम पर गया है, तुम पर गया, तो खींचना जिसका था तो खींच नहीं पाए, तो गुस्सा कहीं और निकाला जाता है कि तुम पर गया है। तो इसी अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। इस एज में बच्चा कल्पना बहुत ज्यादा करता है, हालांकि चिंतन जो करता है वो अमूर्त करता है, कौन सा अमूर्त चिंतन, कि चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। तो मतलब चांद तारों में भी नजर आता है उन्हें अपनी वाली, जबकि रियलिटी यही है, क्या चांद तारों में क्या नजर आएगी। अब समझिए ना, इस एज में चाहे वो करक क्यों ना मिल जाए, उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वही भुतनिया लगती है, वही भुतनिया दुनिया की सबसे सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, कि खूबसूरती जो तूने पाई लुट गई खुदा की बस खुदाई, कि मीर की गजल कहूँ तुझे मैं या कहूँ खयाम की रुबाई, मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार साहसी, तो चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मतलब समझ ना कि दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज है, वही वाली बहाल होती है कि भैया अपनी वाली से भर करके उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता है, उन्हीं से जब शादी ब्याह होता है तो 2 साल बाद जब चश्मा उतरता है यहाँ जब चला जाता है तब तो पता चलता है, ओ यू आर ब्लैक, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक, तब तो उसको ब्लैक गोल्ड नजर आता है, शादी ब्याह के 3-4 साल बाद उसको ब्लैक गोल्ड नजर आता है, वो इसलिए नजर आता है कि पहले नल्ले थे, बेरोजगार थे, तो 24 घंटा में से 10 घंटा बतियाते थे खाई क्या, क्या खाई, क्यों खाई, नहीं तुम्हें ये खाना चाहिए था, तुम्हें वो खाना चाहिए था, सेहत का ध्यान रखा, इधर खुद का पता नहीं, खुद का पता नहीं, शिखर में डूबा हुआ है, गोल्ड फ्लेक में लपेटा हुआ है, खुद का पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट कर रहा है पैसा का। उसके बाद जैसे शादी ब्याह होता था 4 महीना 6 महीना साल भर चलेगा, उसके बाद बाल बच्चा जैसे होता था, अब क्या करोगे, अब कमाना पड़ेगा, कोई नौकरी तो आपको दे नहीं देगा, शादी ब्याह पर ऑफर निकालेगा कि न्यूली मैरिड के लिए ऑफर निकाला, और 50,000 रुपये महीना लो 2 घंटा बैठने का, नहीं फिर आपको कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए 10 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। अब 10 घंटा जैसे ही आप ड्यूटी किए तो आपने तो आदत क्या लगा दिया था 10 घंटा बात करने का, 12 घंटा बात करने का, तो कहावत भी है कि उतर जाए रगों में तो ये नशा है, इसकी आदत जब पड़ जाए तो यही सजा है। अब मुकेशनिया को क्या लग रहा है कि हमारा वाला तो फोन नहीं कर रहा है,
इधर मुकेशवा का हाल बुरा है, 10,000 रुपया महीना कमाने में बेचारा 12 घंटा ड्यूटी करता है, तब जाकर के 10,000 मिलता है, 4,000 रेंट देता है, 4,000 खाने में जाता है, 2,000 बचता है मुकेशनिया का मुकेशवा का रिचार्ज कराने में, खत्म हो जाता था। बाल बच्चा के लिए क्या लेकर गएगा, तो कम से कम साल भर रहेगा तबे ना, तो साल भर के बाद आता है। यही कहानी होती है किसमें, किशोरावस्था में, मतलब ये भटकने की अवस्था है, बिगड़ने की अवस्था है, इसको टीनेज बोला जाता है, एज ऑफ ब्यूटी बोला जाता है, जिंदगी का सबसे बेहतर काल माना जाता है, इसे बसंत काल माना जाता है। बसंत काल मतलब, बसंत मतलब जवानी होती है, जवानी होती है, बसंत काल माना जाता है। ये वो अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे अपने कैरियर को चुनते हैं, अपने कैरियर के प्रति बच्चे सजग होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, या बीपीएससी क्वालिफाई करना है, या मुझे सीटेट क्वालिफाई करके बेस्ट टीचर बनना है, या जो कुछ भी बनना है, ये वही उम्र है। तो इस उम्र में लोग भटक बहुत ज्यादा जाते हैं, तो लास्ट में कोनो ऑप्शन नहीं होता है, तो सब यूपीएससी बीपीएससी घुस जाता, बोलता मुझे शादी करना है, लास्ट में वही ऑप्शन है, बकलेलवा बीपीएससी क्वालिफाई करोगे तो भी शादी होगी, टीचर बनोगे तो भी शादी होगी, लेकिन नहीं, इसी उम्र में पहले शादी ब्याह कर दो तो शादी ब्याह हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। तो ये वो उम्र है जिस उम्र में बच्चे का मन क्या होता है, विचलित होता है, भटकते रहता है, सब कुछ उसको इसी एज में चाहिए, वो डॉक्टर भी उसी एज में बनेगा। दोस्तों मेरा चैनल है JMR मस्ती, जिसे आर्मी से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा, कृपया जरूर देखिए, मैं फ्रेंड देखिएगा, फ्रेंड देखिएगा, जो लोग हैं जरूर देखिएगा। तो सुनिए, तो कहने का मतलब है कि ये जीवन का चौराहा है, अब समझिए, इधर ध्यान दीजिए, अब आपको वो चीज बता रहे हैं। इधर रास्ता देखिए, आप यहां खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं, चार राहें हैं, जैसे एग्जाम देते हैं तो चार गो ऑप्शन होता है, और चार में से एक के गो सबसे सुपर से ऊपर आंसर होता है, तो यही वो चार ऑप्शंस हैं आपके पास जब आप किशोरा अवस्था में हैं, तब समझिए, फील कीजिए, तब समझ में आएगा, पूरी किशोरा अवस्था जहन में उतर जाएगी। मान लीजिए कि अभी बच्चे को पता नहीं है कि किस रास्ते पर चले तो मेरे लिए वो बेस्ट होगा, और बच्चे को पता नहीं है तो इस रास्ते में भी जा सकता है, इस रास्ते में भी, इस रास्ते में भी, इस रास्ते में भी, कोई भी एक रास्ता पकड़ लेगा, तो गलत कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं। क्या बच्चे को पता है कौन सा गलत है, नहीं, तो जो रास्ते इस उम्र में गलत होते हैं, जिनका नतीजा खराब होता है, उसमें स्टार्टिंग में मजा आता है, बहुत अच्छा लगेगा, आप जो चाहिएगा वही वही दिखेगा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आपके पास कोनो समय नहीं बचेगा, वापस लौटने का जब समय नहीं रहेगा, तो पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, फिर बोलेगा हाय रे हमने ये क्या किया। तो यहां पर कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, इस रास्ते की पहचान कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, अगर क्लास में है तो टीचर की होती है, घर पे है तो पेरेंट्स की होती है, फ्रेंड सर्कल में है तो फ्रेंड्स की भी होती है। इसीलिए दोस्त बनाएं तो बेस्ट बनाएं, एक ही बनाएं बेस्ट बनाएं, जरूरी नहीं है कि 100 दोस्त बनाएं, अरे एक बनाएं, दो बनाएं, लेकिन हीरा मोती रखें कि जब भी आप गलत राह पर चले तो आपको सबसे पहले वही रोके कि दोस्त ये गलत है, अगर ऐसा करोगे तो तबाह हो जाओगे, तो आपको हमेशा गलत रास्तों से जो बचाने का प्रयास करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो यहां पर एक पिता को अथवा अभिभावक को या शिक्षक को किस तरह से अपने बच्चों के साथ बिहेव आना चाहिए, तो जानते हैं दोस्ताना बिहेव, दोस्ती की तरह, अपने दोस्त की तरह अपने बच्चों से बात कीजिए। अगर आप टीचर हैं, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपके सामने बच्चा 12 प्लस साल का है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल का बच्चा है, तो उस समय आप बच्चों से कैसा बिहेव करेंगे, दोस्ती वाला, मतलब उसे फ्रेंडली बिहेव करें,
फ्रेंडली बिहेव करें, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों से जैसे ही आप दोस्त की तरह बात कीजिएगा तो बच्चे आपको लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। बच्चे अपनी तकलीफ किसी भी फील्ड में, किसी भी पढ़ाई लिखाई चाहे किसी में भी अगर दिक्कत होगा तो बेझिझक शिक्षक से बच्चे क्या करेंगे, पूछेंगे। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि वही शिक्षक क्लास में एंट्री करता है, ऐसे एंट्री किया अमरेशपुरी के, तो एंट्री किया पूरा देख रहा था, मूड पूरा ऑफ है टीचर का। बताइए अगर यही स्थिति बनी रही तो बच्चा कोई पूछेगा क्वेश्चन नहीं। तो याद रखिएगा, ये क्लास में भी ये बातें लागू होती है कि अगर कोई शिक्षक क्लास में इस तरह का बिहेव करे कि बच्चे अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर उसे बेइज्जत कर देते हैं, घोर बेइज्जत कर देते हैं कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, तुम कैसे क्वेश्चन पूछ दिया। ये देखते हैं बहुत में, हम रियल बता रहे हैं, ये घटना आपके साथ भी शायद घटी होगी। अक्सर 100 में से 90% से ऊपर वो टीचर जिन्हें काबिलियत नहीं रहती उनमें ये घटना घटती है कि जैसे उनसे क्वेश्चन पूछिएगा ना तो आप ही से लगेंगे क्वेश्चन पूछने तरह तरह का। भैया वो टीचर है आपको फंसा देंगे और लास्ट में आप फंसिएगा, आपको घोर बेइज्जत कर दिए जाएंगे। तो आप मोटिवेट हुए कि डीमोटिवेट हो गए। अब अगले दिन आपकी हिम्मत होगी प्रश्न करने की, नहीं हिम्मत होगी तो धीरे धीरे सब्जेक्ट से आपकी रुचि क्या होगी, खत्म होगी, दूरियां बढ़ेगी सब्जेक्ट के बीच और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। फिर सीटेट बहुत दूर की बात है, बोलेगा 3 नंबर से तो छूटा है, 79-80 तो आ गया है, 2 या 3 नंबर से तो छूटा है। अरे भैया सीटेट वो चीज है कि 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 70 से 80% बिना पढ़े हुए भी 75, 76, 77, 78, 79, 80 तक ला लेता है, लेकिन 81 तक भी ला लेता है, लेकिन 82 नहीं आता है, 83 नहीं आता है, क्योंकि 82 पर ओबीसी वाले क्या होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, 82 पे जनरल की महिला भी क्वालिफाई होती है, 75 पे स्टेट में एससी और एसटी क्वालिफाई होते हैं, तो वहाँ तक लेके आइएगा लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, यही तो सीटेट की खासियत है। लेकिन 2 या 3 नंबर से छूट गया, अगली बार फिर एग्जाम देगा फिर वही 2-3 नंबर से छूटेगा। हम अपने क्लास की बात करते, एक लड़का था पिछले बैच का, वो पटना में दो बार पढ़ा है, दो बार हर बार उसको 81 नंबर आया था, 81 पे बोल्ड हुआ था दोनों बार, और तीसरी बार अपने यहाँ पढ़ने आया, पटना से छोड़ करके यहाँ पढ़ने आया और एक ही बार में क्वालिफाई किया और अच्छे अंक से क्वालिफाई किया। तो ये तरीका होता है डिलीवर करने का, ये तरीका होता है शिक्षक का गाइड करने का। आपको क्या लग रहा है केवल थ्योरी पढ़ लीजिएगा उससे रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा, आपको क्वेश्चन पर एनालिसिस करना होगा, तरह तरह का कंसेप्ट लगाना होगा, क्यों सही है क्यों गलत है, क्या करे कि और बेहतर होगा, क्या करे कि ऑप्शन खराब हो जाएगा। तो सभी तरह का जब एनालिसिस एक ही क्वेश्चन पर लगाइएगा, यकीन मानिए आपका सीटेट तभी निकल रहा है, निकलना तो दूर की बात, 120 से भी अगर कम नंबर आएगा तो तकलीफ होगी कि हम तो 130-140 लाने वाले थे लेकिन मुझे 115 आया। ये सिचुएशन अपने क्लास में रहती है, यहाँ तो पास बहुत छोटी बात हो जाती है, 85, 90 या 95 यहाँ बड़ी बात कभी नहीं रही है, न पहले न आज भी, केवल रेगुलर आ जाइएगा तो भी सीटेट निकलता है। तब रिजल्ट आया है 153 में कितना, 137, 4 गो और हुआ है, 81 वाले का 82 हुआ, 83 तो 141 हो चुका है, तो बिना पढ़ाए हुए, बिना क्या रटन प्रणाली से, मेरी पढ़ाई कल भी रटन प्रणाली से मुक्त थी आज भी मुक्त है, 90% से अब मेरी पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त है, जहां कहीं पर थोड़ी बहुत याद करने की रहेगी तो हम आपको बता देंगे लेकिन उससे भी जहन में उतार के, तो समझिए ये वही अवस्था है। तो जीवन के चौराहे पर हमारा मुकेशबा भटक न जाए, अतः यहाँ पर एक शिक्षक के लिए, एक अभिभावक के लिए, एक मम्मी पापा के लिए, दोस्त के लिए या केयर करने वाले, मुकेशबा के सभी केयर करने वालों के लिए एक संदेश जाता है कि इस वक्त अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करे, दोस्ताना बिहेव करे। ये पेडागोजी क्वेश्चन बता रहे हैं, दोस्ताना बिहेव करे। अगर आपका भी बाल बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाए, हालांकि उससे पहले भी दोस्ताना बिहेव ही करे, लेकिन यहां पर कंपलसरी करे ही करे, ताकि बच्चा खुल करके आपसे अपनी बात क्या करे, शेयर करे। लॉजिक क्लियर हुआ।
यही बात एक दिन की बात है, मुकेशवा नाराज था, मुकेशवा नाराज था। उसकी मम्मी पूछी कि क्यों तुम नाराज हो रहे मुकेशवा, मुकेशवा बोलवे नहीं कर रहा है। मुकेशवा का आज बिहेव बदला बदला सा लग रहा है, बताइए हमारा आपका बच्चा है बच्चिया है, सब दिन घुल मिल करके रहती है या रहता है, आज अचानक विद्यालय से वापस आया, मूड ऑफ है, मूड ऑफ है, तो क्या उनसे पूछने का प्रयास नहीं करेंगे कि बेटा क्या हुआ है, किस बात की तकलीफ हुई है, बताओ मुझे, बताओ मुझे, मैं हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बताओ, मैं पूरा करूँगा। अगर इस तरह का अपने बच्चों के साथ बिहेव रखिएगा तो यकीन मानिए आपका बच्चा कभी गलत राह पर नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही डांटिएगा, मुकेशवा आया है, मुँह उसका मूड ऑफ है, लगी मम्मी कूटने, खोपचे में ले जा करके पिताजी भी लगे कूटने, तो धीरे 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 क्या होगा, इंटरेस्ट सुनिए 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 एक मिनट पर रही, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर मम्मी पापा से दूरियां क्या होंगी, बढ़ने लगी, फिर एंट्री होगा तीसरे का, उस पर भरोसा बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दो के बीच में तीसरे का एंट्री होता है तो नतीजा क्या होता है, खराब होता है। तो सुनिए, तो वही मुकेशवा एकदम रूठा हुआ है, अजब सा मुंह किया हुआ है, तो उसकी मम्मी पूछती है, नाम क्या मम्मी का पता है, फूलमतिया देवी, प्रोफेसर दीनानाथ की वाइफ का नाम क्या रखे हैं, फूलमतिया देवी। तो फूलमतिया देवी अपना बेटा मुकेशवा से पूछता है कि क्यों दुखी हो, मुकेशवा कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसकी मम्मी 100 बात बोल करके चली गई किचन में खाना बनाने या कुछ काम करने। थोड़ा देर के बाद पिताजी वापस आए, पिताजी भी देखे मुकेशवा का मूड ऑफ, बोला क्या हुआ है, बताइए नहीं रहा, बताइए नहीं रहा, मूड ऑफ है। तो उसकी मम्मी बोलती है अपने हस्बैंड से कि जाइए प्यार से पूछिए, हो सकता है आपको कुछ बता दे, हम 100 बात बोल दिए हैं, आपको कुछ बता देगा, प्यार से पूछिए, दोस्त की तरह बिहेव कीजिए। तो उसके पिताजी आते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुकेश, बेटा मुकेशवा क्या हुआ है, बताओ अपने पिता को, मैं हर वो चीज ला करके दूंगा जो तुम्हें चाहिए, एक बार मुंह से खोल करके तो देखो, मुंह से आवाज निकाल करके देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझे दोस्त की तरह मानो, प्रोफेसर दीनानाथ की तरह नहीं, मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ, बोलो। तो उस वक्त मुकेशवा अपने पिता को बोलते, पक्का दोस्त, बोला एकदम दोस्त, तो हे ही वाला, फिर ही वाला, फिर ही वाला, फिर ही वाला नहीं होता है, ये वाला नहीं होता, ये वाला घुमा करके ये वाला है, पूरा दोस्ती हो गया। उसके बाद मुकेशवा बोलता है कि दोस्त, बाप बाप को बोला दोस्त, मुकेशनिया रूठ गई है, बोलती 5000 वाला हमें सूट चाहिए, पैसा नहीं है, जरा व्यवस्था कर दो, इसीलिए रूठे हैं। बस थोड़ा ही देर के बाद वो जो प्रोफेसर दीनानाथ है वो अपने ओरिजिनल रूप को प्राप्त कर लेते हैं, दोस्त की जगह वो प्रोफेसर दीनानाथ हो जाते, लगते हैं कूटने, लगे कूटने, खोपचे में ले जाकर के तुरंते बोलता है, बोले थे ना प्रोफेसर दीनानाथ, तू भी बोला था ना दोस्त है, फिर बाप क्यों बन रहा है, बाप क्यों बन रहा है, दीनानाथ बना करो। तो लगता है कूटने, तो क्या ये सही चीज है, ये सही चीज है नहीं, अगर यही बच्चे ने पूछ भी दिया तो क्या इसको हैंडल करने का तरीका नहीं है, है हैंडल करने का। तो इस पर मैसेज ये जा रहा है कि अगर इस तरह की घटना आपके बच्चे के साथ आपकी हो जाए तो भी आप इसे इजिली वे में हैंडल कर सकते हैं। उनको समझिए, आप अपने बच्चे को समझिए, क्योंकि आपके अलावा दुनिया में इससे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता है, कोई नहीं समझ सकता है, अतः तो आप भी नहीं समझिएगा तो आपका बच्चा जीवन की चौराहे पर भटक नहीं जाएगा। और यहाँ पर एक बार भटक गया तो फिर वापस लौट करके आना संभव नहीं होता है। तो ये वो अवस्था है किशोरावस्था, समझ में आ रही बात। तो किशोरा अवस्था को बोला जाता है व्यवसाय चुनने की अवस्था। इस एज में बच्चे को क्या बनना है वो डिसाइड कर लेता है, अरे समझ में। तो व्यवसाय चुनने की अवस्था भी बोला जाता है। ये मानसिक संक्रिया करने का सबसे बेहतर अवस्था माना जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या होती है, अमूर्त सोच वाली हो चुकी है, कल्पनात्मक सोच भी यहाँ करता है। हालांकि कल्पनात्मक की कहानी शुरू हो जाती है 2 से 7 साल में, गुड्डे और गुड़िया नहीं होता है, दूल्हा और दुल्हन कपड़ा से बनाना, वो भी कल्पनात्मक खेल है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चा कल्पना करता है, चिंतन करता है, अमूर्त सोच करता है,
और बात करें अगर बीएन झा के शब्दों में, किसके शब्दों में, बीएन झा के शब्दों में, तो काम वासना यहां पर एक बच्चे में क्या होती है, प्रबल होती है, तीव्र होती है, सेक्सुअलिटी की भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, अतः बच्चे यहाँ पर गंदी आदतों का शिकार भी हो जाते हैं, गलत आदतों का शिकार भी हो जाते हैं। तो इस बात पर भी बच्चे को ध्यान देना चाहिए। आप देखते होंगे इस एज में बच्चा गलत आदतों का शिकार हो जाता है। तो जानते हैं, जैसे मान के चलिए शादी ब्याह का एज होता है ना, इस एज में ब्याह कर दीजिए तो 13-14-15 साल में ब्याह कर दीजिए तो देखिएगा बच्चे की क्या स्थिति होती है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी आगे चल करके। वो सोच नहीं पाएगा बच्चा, अधिक चिंतन मनन नहीं कर पाएगा, मुकेशनिया भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए मुकेशनिया की शादी का भी मिनिमम एज बिहार सरकार ने, भारत सरकार ने कितना रखा, 21 वर्ष। ये मुकेशनिया का है, अब बढ़ गया है 18 से 21 हो गया है। अब मुकेशवा का कितना है, मुकेशवा का 25 वर्ष है, जो कि पहले 21 वर्ष था। बताइए 25 साल या 25 साल से ऊपर जब लड़का होगा तब भी, हमारा तो उससे पहले हो गया था, हमारा 24 में हो गया था। हाँ पहले हम, हाँ नहीं नहीं मेरा इसी में लपेटा गया, हम इसी में लपेटे गए 24 में। हुआ हुआ मेरा, हाँ लपेटे गए थे। चलिए तो वही बात कर रहे, सुनिए अगर इसी एज में 12-13-14 साल में शादी ब्याह कर दीजिए, देखिए होता क्या है बताते हैं, समझिए। क्योंकि बाल बच्चा होता है, स्पर्म यूटिलाइज होता है, तो धीरे 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 स्पर्म आपका क्या होगा, खत्म होते कम होते जा रहा है, तो क्वालिटी स्पर्म की क्या होगी, घटती है। तो धीरे धीरे जानते हैं क्या होता है, आपके मानसिक विकास पर असाधारण असर डालेगा, सीधा असाधारण सामान्य असर नहीं डालेगा। धीरे धीरे होता क्या है, स्मरण शक्ति कमजोर होगी, जैसे ही आप बॉडी आपका कमजोर होगा, चिड़चिड़ापन व्यक्ति में आना शुरू होगा, बात बात पर गुस्सा आएगी, आपको कोई चीज याद नहीं रहेगा, टेंशन लाइफ हो जाएगा। तो इसीलिए एक एज होता है, सही समय पर सही चीज आता है ना, तो 25 साल के बाद 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल में भी आ कीजिए, देखिए आपके स्पर्म की क्वालिटी भी बची रहेगी, बच्चा भी होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आप जॉब में रहेंगे, अच्छा खासा आप कमाते रहेंगे। 14 साल का बच्चा कमाता है क्या, कौन ऐसा नौकरी है बिहार भारत में जो 14 साल में मिलती है, कोई नौकरी नहीं है। नहीं ब्याह तो कर सकते हैं, करने के लिए लोग कर देता है। तो बताइए उस लड़की की क्या स्थिति होगी जो 14 साल में माँ बनेगी, 15-16 साल में माँ बनेगी। अगर वो माँ बन गई तो आपको क्या लग रहा है उस बच्चे का विकास अच्छा होगा। एक तो खुद मैच्योर पूरी तरह से नहीं हुआ है बॉडी, ऊपर से माँ बन गई है, तो सिंपल सी बात है उसका बुआ जो होगा ना वो कैसा होगा, पढ़ाएंगे आज समझ में 3 दिन बाद आएगा, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, वो मम्मी और वो पापा है। तो वक्त का इंतजार कीजिए, समय सबसे बड़ी चीज होती है, शादी ब्याह वक्त पर कीजिए। अरे 26-27 साल के एज में एक लड़की अगर बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे का हेल्थ जो है वो 14 साल के बच्चे के तुलना में कई गुना बेस्ट होता है। उस बच्चे की बुद्धि क्या होती है, काफी तेज होता है, काफी अच्छा होता है, सब चीज का समय होता है। तो ये वही अवस्था है, भटकने की अवस्था है, अतः अपने बच्चे को भटकने न दें। समझ में आ रही बात, क्या हुआ मैडम जी, बैठ जाइए, जा रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये वही अवस्था, अब लिखाएं, चलिए लिखिए, पॉइंट बना करके लिखिए। सीखने का क्षेत्र क्या हुआ, एक मिनट रुकिए, रुको, कुछ इधर हो, क्योंकि आप कहीं नहीं जाइए, आप कहीं मत जाइए, माँ से निकाल लो। आप फास्टिंग में हैं क्या, फास्टिंग में नहीं ना,
पकड़े रहा ना रुकिए पानी है क्या? दीजिए पानी दीजिए तो जाइए तो जाइए पर आराम से जाइए। वो तो हिल गया बहुत, तो गिरी जाती है अभी तो छोड़ दीजिए। मुंह धोइए, उसका मुंह धोइए। ए ग्लूकोन पी सकती है ना? ग्लूकोन डी या और कोई हो होता है? नारियल पानी नहीं काम है, अभी तुरंत एनर्जी ग्लूकोन के अलावा नहीं कोई देता है क्या? ग्लूकोन डी सुनिए, कोई आइए इधर आइए इधर आइए। ये ग्लूकोन डी छोटा वाला आता है ना 25 रुपये वाला, जो भी आता है वो डेट देख करके लेके फटाक से आइए तो फटाक से। हाँ ऑरेंज फ्लेवर लीजिएगा, ऑरेंज फ्लेवर तो लैब को रोक दें इतना, थोड़ा सा तबीयत खराब होगी अपने के स्टूडेंट की तो लैब को आज रोक रहे हैं, थोड़ा देर के बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे फिर देखते हैं दे पाते हैं कि नहीं, अभी रोक दे रहे थोड़ा, ठीक ना।